देश भर में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। चित्रकूट में भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे, वे भगवान कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे। ऐसा मानना है कि आज के दिन विशेष पूजा अर्चना करने से और कामदगिरी की परिक्रमा करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार 12 बजे भगवान का जन्म मनाया गया और भगवान के मंदिर में श्री रामचंद्र की विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया। वहीं आज 11 लाख से अधिक दीपक जलाकर भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट को जगमग किया जाएगा। इसी खबर से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता श्रीधर पटेल। जी श्रीधर, आवाज आ रही है आपको? देश भर में रामनवमी का पर्व धूमधाम से आज मनाया जा रहा है, तो वहीं ये जो चित्रकूट है हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? मैम, आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु जुड़ चुके हैं और 7 बजने ही वाला है। जैसे ही 7 बजेगा वैसे तुरंत सायरन बजेगा और सायरन बजते ही यहाँ दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और दीप प्रज्वलित होते ही यहाँ पर पूरा चित्रकूट दीपों से सुसज्जित होकर के जगमगा उठेगा एकदम। आपको हम दिखा रहे हैं चित्रकूट किस तरीके से सजा हुआ है। ठीक है श्रीधर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो रामचंद्र की विधि विधान से वहाँ पर जो पूजा अर्चना की जा रही है और वहाँ पर चित्रकूट में जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहाँ का आप क्या नजारा दिखा सकते हैं? जी, क्या आप वहाँ का नजारा दिखा सकते हैं? जी 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 जी, हम आपको नजारा दिखा रहे हैं, चित्रकूट का नजारा दिखा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ एकदम दीपक रखे हुए हैं, उनमें घी और बाती लगी हुई है। बस 7 बजने के बाद जैसे ही सायरन बजेगा 7 बजे वैसे ही लगातार सीधा कार्यक्रम आपको दिखाई देगा कि हाँ किस तरीके से दीपक प्रज्वलित होते हैं और चित्रकूट एकदम जगमगा सा जग जाएगा। जैसे कि चित्रकूट में आज ही राम जन्म लिए कि यहाँ पर किस तरीके से दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है। ठीक है श्रीधर, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसा कि कहा जाता है कि जो भगवान कामदगिरी की परिक्रमा वहां पर करने से विशेष तरीके की जो है कृपा प्राप्त होती है, तो इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास में? मैम, यहाँ कामदगिरी परिक्रमा लगातार यहाँ कामदगिरी परिक्रमा पर 5 कोसी परिक्रमा है जहाँ पर परिक्रमा किया जाता है और जहाँ पर लोग सब यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। यहाँ कामदगिरी का नाम लेकर के हम कामदगिरी भाई राम प्रसादा ऐसे करके यहाँ पर जब मनोकामना पूर्ण होती है तब लोग यहाँ परिक्रमा करने आते हैं और यहाँ दर्शन का लाभ लेते हैं। आप हमारे सामने देख रहे हैं कि यहाँ हमारे सतना जिले के यहाँ पर कलेक्टर आदरणीय अनुराग वर्मा और सांसद गणेश सिंह और SDM PS त्रिपाठी के साथ यहाँ पर नगर परिषद CMO सारण बच चुका है और एक साथ आपको हम दिखाएंगे सारण बच चुका है और यहाँ पर किस तरीके से दीपक प्रज्वलित होगा। सारण बच चुका है, आपको हम दिखाएंगे लगातार। सारण बच चुका है और यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार कि किस तरीके से अब लोगों के हाथों में तीलियां जल चुकी हैं और ये दीपकों पर सीधा प्रकाश दिया जाएगा, दीपक प्रज्वलित हो उठेंगे। ये जो वहाँ पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें 11 लाख से अधिक दीपक जलाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर अतिथि के रूप में किसको किसको बुलाया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास में? यहाँ पर लगातार हम आपको बता दें कि यहाँ पर अतिथि के रूप में आदरणीय जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा, सांसद महोदय जी भी साथ में रहे और यहाँ पर स्थानीय प्रशासन भी लगातार जोर देकर के सहयोग पर लगा हुआ है। आपको हम ये दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से अब जल चुकी है यहाँ पर। ठीक है, आप जैसे कि बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है गौरव दिवस के रूप में भी रामनवमी का त्यौहार मनाते हैं, तो फिर ये इसके पीछे क्या कारण है कि इसको गौरव दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? आप हम बता दें मैम कि यहाँ पर लगातार राम जन्मोत्सव के रूप में यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है। ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि सारण बजने के बाद यहाँ पर दीपक जल उठे हैं, यहाँ पर श्री राम जन्मोत्सव के रूप में यहाँ दीपक जलाने का कार्यक्रम किया जाता है और ये आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ दीपक जलाए जा रहे हैं और ये दीप प्रज्वलित हो उठे हैं, आपको लाइव दिखा रहे हैं। ठीक है श्रीधर, एक चीज और मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जो चित्रकूट में रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है जिसमें आपने बताया कि हजारों की तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे, तो इसको लेकर प्रशासन ने क्या सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं?
मैम आपको हम बता दें कि यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था, पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ यहाँ पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए हुए है। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, अभी हम एसडीएम साहब, अभी हम बात किए हैं यहाँ पर चित्रकूट एसडीओपी साहब से भी बात की है, जो लगातार हमें सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना दिखा रहे थे और बता रहे थे कि हम किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की है। ये हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें, यहाँ पर अब दीप प्रज्वलित हो उठे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। ठीक है जोधर, जैसे कि कहा जा रहा है कि रामनवमी के दिन ही वहां पर विशेष पूजा अर्चना करने से विशेष तरीके का फल प्राप्त होता है, तो इसके पीछे की क्या वजह है आखिर? देखिए मैम, लगातार हम आपको बता दें कि यहाँ पर रामनवमी के उपलक्ष्य पर यहाँ पर कार्यक्रम किए जाते हैं और यहाँ पर लोगों की श्रद्धा भावना है कि यहाँ श्री राम भगवान 14 वर्ष तक यहाँ पर आए निवास, यहाँ पर रहे वनवास काल के दौरान, 13 वर्ष रहे यहाँ पर वनवास काल के दौरान, और इसके बाद लगातार यहाँ से 84 कोसी यहाँ पर जा करके पूर्व चित्रकूट को अपने चरणों से यहाँ पर कहीं ना कहीं तपोस्थली के रूप में यहाँ पर हमको प्रदान के रूप में दिया है। ठीक है जोधर, एक चीज और जानना चाह रही हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया है और भगवान के मंदिर में जो राम जी हैं तो रामचंद्र जी की विधिविधान से पूजा अर्चना की गई है, तो किस तरीके से वहां पर उनका जन्मोत्सव मनाया गया, इसकी कोई कुछ जानकारी आपके पास में? जी मैम, आपको बता दें कि यहाँ जितने भी मठ मंदिर हैं वहाँ पर और जितने भी यहाँ पर संस्थाएं हैं वो लगातार सवेरे से ही पूजा अर्चना करने पर लगी हुई थी और पूजा अर्चना कर ही रही थी, और उसके बाद आज 7 बजे और दीप प्रज्वलित होते हैं, 7:10 तक में ये सारे दीपक एक साथ प्रज्वलित होते हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे, दिखा रहे हैं कि यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, यहाँ पर ये सदगुरु ट्रस्ट के यहाँ पर लोग हैं जो वॉलंटियर के तौर पर यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ठीक है एक चीज मैं आपसे दोबारा पूछना चाह रही हूँ कि ये जो प्रशासन है वहाँ पर, उसने सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम कर रखे हैं? जी मैम, लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर यहाँ पर हर तरीके से यहाँ पर हर गतिविधियों पर ड्रोन के द्वारा भी नजर रखा जा रहा है कि कहीं से कोई चूक ना हो जाए सुरक्षा पर। पुलिस प्रशासन एकदम मुस्तैद है, यहाँ पर मौके पर जिला एसपी भी है और आपको बता दें चित्रकूट एसडीओपी भी मौके पर। आपको एक चीज हम आपको दिखा देंगे, यहाँ पर देखिए पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ करके यहाँ पर एक लोगो बनाया गया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि पर्यावरण बचाओ और जीवन बचाओ के माध्यम से। हालांकि आपको बता दें कि बारिश होने की वजह से थोड़ा सा ये जो लोगों की उत्साह था ये किरकिरा जरूर पड़ गया है, लेकिन आपको बता दें कि ये किरकिरा होने नहीं दिया, यहाँ के लोगों ने उत्साह इतना जोर था कि कार्यक्रम में कोई कमी नहीं आई और लगातार यहाँ पर कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीधर आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि देश भर में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, चित्रकूट में भी हजारों की तादाद में वहां श्रद्धालु पहुंचे, भगवान कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे हैं और उसके साथ ही ऐसा मानना है वहां के लोगों का कि आज के दिन विशेष पूजा अर्चना करने से और कामदगिरी की परिक्रमा करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार 12 बजे भगवान का वहां पर जन्मोत्सव मनाया गया है, इसके साथ ही भगवान के मंदिर में श्री रामचंद्र की विधिविधान से पूजा अर्चना कर भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया, इसके साथ ही आज 11 लाख से अधिक दीपक जलाकर भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट को जगमग किया जाएगा।